वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट से भरी हुई कहानी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और इसमें ये एक दिन हीरो को पता लगता है कि उसके दादाजी की कोई कॉफिन से बॉडी को चुरा कर ले गया है, और वो लोग इंसान नहीं है। तो दोस्तों, वो लोग इंसान नहीं है तो कौन है, और आखिर उसके दादाजी की बॉडी ये मिली या नहीं, जाने के लिए वीडियो को देखना तो बनता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कहानी की शुरुआत में एक शराबी शमशान में बैठा हुआ शराब पी रहा था, जो कि कुछ स्ट्रेंज लोगों को आते हुए देखता है, जो आते ही कॉफिन घोट कर उसमें से बॉडी को चुरा कर ले जाते हैं। वो तो उन्हें देखते ही डर की वहाँ से भाग जाता है, और सुबह वहाँ के आसपास के लोगों को रात के बारे में सब बता रहा होता है कि उसने क्या क्या देखा। फिर हम कहानी के हीरो जॉन्ग चुआन को देखते हैं, जो कि एक इवेंट में था कि तभी उसे कोई फोन कर बताता है कि कोई स्ट्रेंज लोग तुम्हारे दादाजी यानी कि जॉन शिलोंग की बॉडी को चुरा कर ले गए हैं। ये सुनते ही वो फटाक से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। जहाँ पर तभी एक लड़की ट्रैक्टर में सवार होकर चुलान को अपना नाम जॉन्ग बताते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। चुलान के साथ साथ सभी लोग ये मानने से इनकार कर रहे होते हैं, क्योंकि चुलान की तो कभी कोई बहन थी नहीं। तभी फिर बाहु सबको एक फैमिली फोटो दिखाते हुए उनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने लग जाती है। ये देखते ही सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। रात को चुआन दादाजी के पास एक डिश रखते हुए बोलता है कि आप मुझे दुनिया के बारे में बिना बताए ही चले गए, काश आप मुझे सपने में आकर सब कुछ बता देते। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और उसको लगता है कि वही बॉडी चुराती है, और वो उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन वो लड़की तो उसी पर अटैक कर देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बाहु ही थी। वो तो उसे बेहोश कर ग्रेव में ही डाल देती है। जब चुआन को होश आता है तो वो देखता है कि भाव उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी, और वो उसे रोकते ही बोलता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, तो फिर तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। भाव फिर रुक जाती है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था कि वो उसे अपनी बहन मान ले। देखते ही देखते चुआन को ग्रेव के बाहर बहुत सारे जॉम्बी दिखाई देते हैं। भाव तो उनके साथ फाइट करके जबरदस्त तरीके से वहाँ से भागी जाती है, और वो जॉम्बी चुआन पर ही अटैक कर देती है। भाव फिर भागते हुए कार के पास पहुंचती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर चुआन की आवाज सुनकर भाव से उसके बारे में पूछता है। भाव बोलते है कि वो तो शायद अब तक मर चुका होगा। तभी फिर वो आदमी जिसका नाम सुआन है, वो उसे ढूंढने लगता है, जहां पर उसे उसकी यूनिवर्सिटी का एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो भाव को भी यूनिवर्सिटी जाने को बोलता है। वही चुआन जॉम्बी से बचता हुआ जोर से चिल्लाता है और देखता है कि वो तो कॉलेज की क्लास में है, यानी कि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ उसका सपना था, जो भी था बड़ा ही डेंजरस था। वेल तो उसी टाइम वो अपने बगल में भाव को देखकर फिर से चिल्लाने लग जाता है। प्रोफेसर उसे शांत होकर बैठने को कहते हैं। चुआन फिर लंच में भाव से अपने दादाजी को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, तो भाव अपना चाकू टेबल पर रख कर बोलती है कि लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। चुआन तो ये देखते ही वहाँ से भाग जाता है और गेट बंद कर लेता है, लेकिन भाव उस गेट को बीच से ही काट डालती है। चुआन वहाँ से भाग कर फटाक से जाकर एक गार्ड से हेल्प मांगता है, और जैसे ही भाव वहाँ पर पहुँचती है तो गार्ड भाव की मासूम शक्ल को देख कर वहाँ से उसे जाने को कहता है। भाव फिर चुआन को ग्राउंड में लेकर जाकर उससे हाथ के निशान के बारे में पूछती है, जो कि उसने ग्रेव में देखा था। चुआन से वो कुछ ना कहने पर भाव तो फिर अपने चाकू से ही उसके शर्ट के टुकड़े टुकड़े करके उसकी फोटो ही लेने लगती है, जहाँ फिर उसे फिर से उसकी बॉडी पर निशान देखता है। भाव चुआन को धमकी देती है कि अगर वो उसका सर्वर नहीं बना तो वो तो उसकी ये सारी फोटोज कॉलेज में ही वायरल कर देगी, और ये सुनते ही वो मान भी जाता है। जिसके बाद भाव फिर उसे एक बहुत पुराना फोन देकर कॉन्टेक्ट करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट था है और हम देखते हैं कि कोई लड़की शिलोंग की बॉडी को सिनिस्टर प्लेजर ऑर्गेनाइजेशन में लाकर सिया और लियोंग नाम के दो लोगों को दे देती है, और वो खुद को सिनिस्टर में शामिल करने को कहती है, जहां पर लियोंग उसे बोलता है कि उसके लिए तो तुम ही उसके पोते यानी कि चुआन को पकड़ कर लेकर आना होगा। नेक्स्ट सीन में चुआन बिना कपड़ों के ही इधर उधर घूम रहा होता है और एक पेड़ पर छुपा हुआ था, लेकिन 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 उसी टाइम पर उसे एक कपल देख लेता है, जिन्हें देखते ही चुआन वहाँ से कूद जाता है, और उसकी फोटो पूरे कैंपस में वायरल हो जाती है। मून शैडो की वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वहीं फिर एक आदमी वॉन्ग को हम स्टेशन पे मेट्रो का वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसकी आसपास का टाइम रुक जाता है और एक मेट्रो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां वो चुआन को खून में लथपथ पड़ी
डेड बॉडीज के साथ में देखता है जुआन की आंखें पूरी तरह से अंधेरी में चमक रही थी। वांग फिर वहां पर पड़े एक पेपर को उठाकर डेट पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो फिर से रियलिटी में वापस आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में जुआन रोते हुए फिर से अपने दादाजी को याद करता है कि 14 साल पहले जुआन के विलेज के बच्चों से जब उसका झगड़ा हुआ था, सारे के सारे गांव वाले तो दादाजी के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंच गए थे, लेकिन दादाजी ने उससे माफी मांगकर जुआन को एक रबर बैंड देते हुए कहा था और समझाया था कि जब भी तुम गलती करो तो जोर से उसको खींचना, जिसके बाद वो लोग तो रात को ही गाँव छोड़कर चले जाते हैं। यही सारी बातें सोचते हुए जुआन के पास लुया नाम की एक लड़की का मैसेज आता है। और दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसे लियोंग ने भेजा था, जो कि जुआन को मिलने के लिए बुलाती है। और उसकी क्यूट प्रोफाइल देखकर वो जुआन तो खुशी से उसे मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर जुआन उसे मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे बताती है कि मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ, मेरे मास्क की वजह से शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जुआन और यान साथ में घूमने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद ही यान जुआन को किस करने लगती है। जुआन फिर उसे उसकी असली सच्चाई के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसने कॉलेज में उसके बारे में पता जो किया था, लेकिन उसे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली थी। तभी फिर यान के ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँच आते हैं, जिन्हें यान कंट्रोल कर रही थी, और वो जुआन को बेहोश करके एक जगह पर ले जाते हैं, जिसके बारे में बाओ और सुसान को पता लग जाता है कि सिनिस्टर वाले उसे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही फिर जुआन की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने सामने सिया को बैठा हुआ देखता है, जो कि उसे सेड्यूस कर रही थी। जहां पर पहुंचकर लियोंग जुआन की मेमोरी लेने लग जाता है, क्योंकि उसे दादाजी के बारे में सब कुछ जानना जो था। लेकिन उसी टाइम पर सुसान और बाओ पटाख से उन पर हमला कर देते हैं और जुआन को उनके हवाले करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उनके बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। बाओ फिर सबको अपने चाकू से काटने लग जाती है। ये देखते ही सिया भी उसे फाइट करती है, जहां पर यान फाइट का फायदा उठाकर जुआन को कंट्रोल कर एक कार में लियोंग के साथ में बैठाकर जाने लगती है। लेकिन बाओ अपने चाकू से उस कार के दो हिस्से कर देती है। और अचानक से फिर वहां पर एनडीटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे मेंबर्स आकर सुसान और बाओ की फाइट करने में हेल्प करते हैं और यान को एक डिवाइस के थ्रू पकड़ लेते हैं। लियोंग और सिया यान को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बाओ जुआन की गर्दन से फिर एक कीड़ा निकाल कर खा जाती है, जिसे कि यान जुआन को कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जुआन को एनडीटी के ऑफिसर लेकर आते हैं, जहां पर बाओ उसे वहां के लीडर यानी कि जोंग हुन से मिलवाती हैं। हुन जुआन को एनडीटी के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं कि ये हमने आउटसाइडर्स के लिए बनाया है, ताकि यहां पर सारे के सारे बुरे आउटसाइडर्स ठीक हो सकें और तो और नॉर्मल ह्यूमंस के साथ रह सकें। सिनिस्टर की तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बस उनका यूज करें। हुन फिर उसे वहां से सीक्रेट रूम लेकर जाते हैं, जहां पर उसकी सारी टेक्नोलॉजी से रिसर्च हो रही थी। हुन जुआन को बता रहे होते हैं कि वह सारे के सारे आउटसाइडर्स की बॉडी में एक एनर्जी को ढूंढते हैं, जिसको शी कहते हैं। वो फिर उसे अपने हाथ पर शी भी दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी और तुम दोनों के दोनों आउटसाइडर्स हो। जुआन उनसे पूछता है कि लेकिन इतनी सीक्रेट बात आप मुझे क्यों बता रहे हो। हुन फिर उसे एनडीटी को ज्वाइन करने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन जुआन तो उनकी बातों को इग्नोर मारकर जाने ही लगता है। जहाँ पर हुन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही वो रुक जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक में 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जुआन के दादाजी उसे 3 दिन के लिए छोड़कर कहीं पर चले गए थे। लेकिन जब जुआन उन्हें 3 दिन बाद देखता है, तो वहाँ पर उसे उनकी डेथ बॉडी बहुत ही बुरी हालत में घर के सामने पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखते ही वो जोरों से रोने लग जाता है। जहाँ पर अचानक से कुछ लोग भी पहुँच आते हैं। वही दूसरी तरफ हम माउंट लोगो नाम की एक जगह पर लिंगयू नाम के एक आदमी को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी कोई आकर बोलता है कि उसे मास्टर सीबे ने बुलाया है और वो उससे सेरेमनी के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर वो कहते हैं कि उसकी तैयारी तो काफी जोरों शोरों से चल रही है। वही वांग एक गुफा में किसी मास्टर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उन्हें वो ट्रेन वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। जैसे ही फिर वो उस डेट के बारे में बोलता है और उसे सुनते ही उन्हें कुछ बुरा याद आने लगता है, जिससे कि वो तो वांग को ही उठाकर वहाँ से बाहर फेंकवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुसी नाम का एक एनडीटी एजेंट यान से पूछताछ कर रहा होता है। जुलान और हुन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो यान उन्हें फिर अपने पास्ट की सैड लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनते ही सुसी तो गुस्सा होकर टेबल ही फेंक देता है। जुआन फिर उसे रोकते हुए यान से कहता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है और इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज बता दो दादाजी की बॉडी कहाँ पर है और तुम उसे क्यों ले गई थी।
यान फिर बोलती है कि आज से 12 साल पहले एक बहुत ही बड़ा आउटसाइडर अचानक से एक ग्रुप में मारा गया था। जब उसके बारे में पता लगा तो उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ही थे, और इसलिए उनकी पावर्स को लेने के लिए वो लोग उन्हें ले गए। तभी अचानक से एक एजेंट वहाँ पर पहुँचाता है और बोलता है कि कॉफिन मिल गई है। लेकिन जब चुहान उसमें देखता है तो उसे वहाँ पर एक टैब मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बॉडी को डस्टबिन में छोड़ दिया है, जिससे कि फिर उन लोगों को दादाजी की बॉडी डस्टबिन में ही मिल जाती है। और ये देखकर चुहान को रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सभी लोग बॉडी को दोबारा से दफन कर देते हैं और अब चुहान एनडीटीटी एक्सप्रेस ज्वाइन भी कर लेता है, जहाँ पर बाव उसे वहाँ का सारा काम अच्छे से समझा देती है और उसकी पावर्स के बारे में भी उसे बताती है कि तुम्हारे पास भी शी की पावर्स हैं। जहाँ पर श्वान उसे पूछता है कि यहाँ नॉर्मल ह्यूमन और आउटसाइडर्स में मैं कैसे फर्क कर पाऊंगा, जिसके लिए वो उसे सुसान के पास में ले जाती है और वो उसे समझा देता है कि कैसे फर्क करना है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जीवे दो और मास्टर के साथ में ड्रिंक करके शिलोंग को याद कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ के थर्ड मास्टर थे, साथ ही उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तभी फिर लिंग आकर उन्हें ड्रिंक करने से मना कर देता है। जीवे लिंग को जवान के बारे में बताते हुए उसे एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन इवेंट का कार्ड देते हुए उसे इनवाइट करते हैं। बोलते हैं कि तुम जाकर जवान को टेस्ट करना कि वो तियान शेडो की पावर्स को संभालने लायक है भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चुहान को सोच रहा होता है कि तभी व्हाइट टर्टल आकर उसे किडनैप कर लेता है और बाहर एक बच्ची और एक आदमी के पास उसे ले जाता है, जहां पर लिंग अपने दो आदमियों के साथ पहुंचाता है और उन्हें चुहान को पकड़ने को बोलता है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन चुहान को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो चुहान उन पर काफी हंस रहा होता है, जिससे कि लिंग तो उस पर फिर अपनी शी पावर से ही अटैक करने लगता है। लेकिन चुहान उल्टा उस पर ही अटैक करके रोक लेता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और चुहान भी अपनी पावर्स दिखाकर बोलता है कि ये सब कुछ तो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। लिंग तो उसके दादाजी का गद्दार ही बोलने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने जिन आउटसाइडर्स को मारा था वो तो माउंट के लोग थे। और ये सुनकर तो चुहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंग को वहाँ से जाने की वार्निंग देता है। ये सुनकर लिंग भी उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करके दीवार से देकर मारता है। चुहान को फिर अपने दादाजी की सिखाई बात याद आने लग जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी गलत चीज के लिए तब तक नहीं करना है जब तक सही वक्त ना आ जाए। चुहान फिर अपनी पावर को प्रोसेस करने लगता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद आज ही सही टाइम है। वहाँ पर फिर बाव आकर चुहान को दो थप्पड़ लगाने लगती है। बोलती है कि बिना मास्टर की हाँ के तुम इस सेलेस्टियल टावर के सीनियर लिंक से आखिरकार कैसे लड़ सकती हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे कहती हूँ कि इसे फाइट करो। चुहान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तो पूरी तरह से ही आग बबूला हो जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर को प्रोसेस करने लगता है और लिंक पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन वो तो उल्टा चुहान को ही जमीन पर पटक देता है और बोलते हुए जाने लग जाता है कि तुम तो अभी बहुत कमजोर हो। गुस्से में चुहान फिर से उठता है और बोलता है कि तुमने अभी मेरी पावर्स देखी कहाँ है, और फिर वो अपनी फुल पावर्स के साथ में फाइट करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फिर बीच में बाव भी पहुंच जाती है कि तभी लिंग उन्हें कॉम्पिटिशन के बारे में हिस्सा लेने को बोलकर कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं, जो कि वहां प्रैक्टिस कर रहे लोगों से प्रैक्टिस का कारण पूछता है, तो वो लोगों से कॉम्पिटिशन और शुआन दोनों के बारे में बताते हैं। शुआन की फोटो को देखकर उसे फिर से ट्रेन वाली बात की इमेजिनेशन आने लग जाती है, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं वाव शुआन को एक पुराने खंडर में लाकर जोर से उसे पटक देती है और बोलती है कि इसे साफ करो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे फिर वाव शुआन को शी पावर को कैसे यूज करना है सब सिखा रही होती है, लेकिन वो तो ठीक से ध्यान ही नहीं दे रहा था, और इसलिए वाव अपने सर से उसका सर जोरदार से मार देती है, जिससे कि अचानक से उसका सर तो घूम ही जाता है और वो अपने दादाजी की बातों को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। वाव उसे जगाती है और फिर शुआन शी की पावर्स को समझ आता है और उसके लिए मेडिटेशन करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वह रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ कुछ लड़कियों को बुला लेती है, जो कि चुहान को घेर लेती हैं। चुहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो याद करता है कि वह ने उसे ये कहा था कि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं कर सकती है, यानी कि वो मुझे पागल और डरपोक समझती है। शुआन तो फिर उन सारी लड़कियों को वहाँ से ही निकाल देता है और बाव को कहकर जाने लग जाता है कि मैं चुप रहता हूँ, जिसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे यूजलेस समझो। बाव फिर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन शुआन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और वो तो उसे सीधा इग्नोर मार कर ही चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं जिसे मास्टर होंग उसे एक इमेजिनेशन दिखा रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग गेट ऑफ गर्ल पावर्स के लिए लड़ रहे थे जो कि कुछ और नहीं बस शैडो ही थी। और फिर रियलिटी में उसके मास्टर कहते हैं कि तुम ही गेट ऑफ गर्ल पावर्स के लिए चुने गए हो, यानी कि तुम चूजन वन हो और इसलिए अपनी इमेजिनेशन वाली पावर्स का यूज करो। जिसके बाद से ही वांग फिर गेट ऑफ गर्ल पावर्स के लिए बहुत मेहनत करने लगता है। नेक्स्ट सीन में श्वान को एक फैंग नाम की लड़की किडनैप कर लेती है और जब श्वान का होश आता है तो फैंग उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और वहाँ की चीजों को टच ना करने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जो थी। श्वान वहाँ पर लगे हुए साइन को देखता है जो कि एम कपासिन गाइड का था और ये सारे के सारे आउटसाइडर्स की काफी अच्छी कंपनी थी जिसका ओनर कोई और नहीं बल्कि जोंग घाव था। जहाँ वो समझ आता है कि ये लड़की जोंग घाव की बेटी है। घाव फिर वहाँ पर आकर उसे मास्टर चियो से मिलवाता है और उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी पावर्स लेकर खुद बहुत ज्यादा पावरफुल जो बनना चाहता था। जैसे ही चुआन उसके लिए मना करता है तो वो लोग उसे फैंग के साथ में शादी करने का ऑफर करती हैं। शुआन सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और नेक्स्ट सीन में फैंग फिर अपने डैड के लिए शुआन को खुद मनाने लग जाती हैं ताकि वो उसकी शी अपोस्थेसिस पावर को ले सके। लेकिन शुआन जानता था कि वो उसकी पावर का यूज करेंगे और वहीं बाओ रेडी होकर गांव की होटल में पहुँच कर शुआन की बार में पूछती हैं तो वो वहाँ से गार्ड से उसे निकलवा देते हैं। लेकिन भाई बाओ तो बाओ ठहरी, वो जबरदस्ती मारकर उन्हें अंदर घुस जाती है तो उसे रास्ते में वही बच्ची टटल और वो आदमी मिलते हैं जो कि गांव के लिए ही काम करते थे। फैंग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है जहाँ वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करती है और चुआन को मारने लगती है और उससे फाइट करने को भी बोलती है। साथ ही उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो यहाँ से चले जाना। चुआन भी रेडी हो जाता है जहाँ पर वह उन सब को मार मार कर आगे बढ़ने लगती है और उसे जाते घाव का बेटा शिंग देख लेता है। आगे जाकर बाओ और ची की फाइट होने लग जाती है। बाओ तो उसे पूरी पावर से फाइट करती है और वहीं चुआन फाइट करते हुए नीचे गिर जाता है जहाँ पर बाओ थी और वो तो उसे घर चलने को कहती है लेकिन चुआन नहीं मांग रहा होता है और उसकी चोट के निशान देखकर वो समझ जाता है कि वो तो यहाँ पर मेरे लिए ही आई है। घाव से वो मना करने लग जाता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा जिससे कि वो तो गुस्सा होकर श्वान को अपनी आर्टिवल पावर्स में से एक पावर्स दिखाने लगता है जिसे देखकर श्वान अपना फैसला ही बदल देता है। लेकिन तभी ची पीछे से बाओ पर अटैक कर देता है। बाओ बहुत जख्मी होकर नीचे गिर जाती है कि तभी घाव ची को ही अपनी पावर से उठाकर फेंक देता है और चुआन के पास आता है तो देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तभी वो शी से अपनी हीलिंग पावर का यूज करके बाओ को ठीक करने के लिए बोलता है। शिंग भी अपनी पावर से उसे ठीक करने लगता है लेकिन वहाँ पर सुसी और सुसान आकर बाओ को वहाँ से ले जाते हैं और एक होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ उसके लिए बहुत सारा खाना मंगवा लेते हैं। लेकिन शुआन उसको देखकर सॉरी बोलता है, बोलता है कि अगर तुम ठीक हो गई तो मैं इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगा और जीत कर भी आऊंगा। सुसी भी फिर बुआ के सामने खाना लेकर आता है जिसे बुआ फट से लपक लपक कर खा लेती है और चुआन से बोलती है कि ठीक है लेकिन तुम अपनी कही हुई बातें भूल मत जाना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो गाइस यहीं पर फिलहाल इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है लेकिन आगे की कहानी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है और कैसे कैसे कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले इस सब मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे मिस ना हो।